मौत का बदला मौत, खून का बदला खून और एक हिंदुस्तानी सैनिक की जान के बदले 8 आतंकवादियों की जान। ये भारतीय सेना का बदला है। 22 साल के लेफ्टिनेंट उमर फैयाज के हथियारों से सेना ने चुन चुन कर बदला लिया। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में इंडियन आर्मी और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें लेफ्टिनेंट उमर फैयाज की हत्या में शामिल 8 आतंकियों को बेमौत मारकर 72 हुरों के पास भेज दिया गया। मारे गए सभी आतंकियों की पहचान हो गई। गौरतलब है कि शोपियां में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खात्मे के लिए अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया। दक्षिण कश्मीर में चल रहे 2 एनकाउंटर में 8 आतंकी ढेर कर दिए गए। मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को जिंदा पकड़ा गया। इस गोलीबारी में सेना के 2 जवान भी शहीद हो गए। जानकारी के मुताबिक रात सुरक्षा एजेंसियों को शोपियां में आतंकी गुटों की बैठक होने की बात पता चली। इस बैठक में आतंकी गुट अमरनाथ यात्रा पर एक बार फिर से बड़ा हमला करने की रणनीति तैयार कर रहे थे। पिछले ही साल जम्मू कश्मीर के कुलगाम के रहने वाले 22 साल के सेना के एक नौजवान अफसर लेफ्टिनेंट उमर फैयाज की बेरहमी से आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। जब वो रात को अपने रिश्तेदार के शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे तो आतंकियों ने उन्हें अगवा किया और उनकी हत्या कर दी। यहां तक कि युवा अफसर के जबड़े और घुटने तोड़ दिए गए, जिसके बाद अपने जवान को खोने के बाद से ही इंडियन आर्मी इसका बदला लेने को तैयार थी और इस बड़े ऑपरेशन के साथ ही उमर फैयाज का बदला भी पूरा हुआ।